हेलो, आज हम बात करेंगे स्टडी इन यूएसए। जो स्टूडेंट वीज़ा है वो यूएसए में जब स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है, यूनिवर्सिटी कितनी उसके लिए आयल्स मांगती है, उसके लिए एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उनकी फ़ी कितनी होगी, और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते हुए कितनी कॉस्ट आएगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यूएसए में स्टडीज़ का जो है वो दूसरे कंट्री से जो डिफरेंस है वो क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो बाकी जो ममालिक हैं उनसे वो ये है कि आपका यहाँ पे जो वीज़ा है जब लग जाता है तो उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे करनी होती है वहाँ पे जाके। बाकी कंट्रीज़ में आपने पहले फीसिस अपनी 50-60% पे करते हैं, फिर आपको जो है उसके लिए वो कैश इशू करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अपने नॉमिनल सी कॉस्ट होती हैं वो पे करके आप अपना I-20 ले लेते हैं, और जब आपका वीज़ा लग जाता है देन आप जब यूएसए में जाते हैं फिर अपनी यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी पड़ती है। और ये किसी और मुल्क में ये एडवांटेज नहीं है, ये सिर्फ यूएसए में। इसके साथ साथ जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यूएसए में है, क्वालिटी एजुकेशन है, और आप स्टडी के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपने अपनी जो मतलूबा कोर्स है और मतलूबा यूनिवर्सिटी है उसको सर्च आउट करना है। रूटीन में आप 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करें, उनके प्रोग्राम्स देखें, उन प्रोग्राम्स का फ्यूचर बेनिफिट्स देखें, और आपकी प्रीवियस एजुकेशन से क्या वो लिंक करते हैं, और आपके पास जब ये प्रोग्राम की आप कंप्लीट कर लेंगे डिग्री वगैरह तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, और अपनी फ़ीस की रेंज सेलेक्ट करें कि कितनी फ़ीस आपको सूट करती है। आपका ये वीज़ा लग जाता है तो आपने वहाँ पर जाके फ़ीस पे करनी है, तो उस लिहाज से आपने ये सारी चीज़ों को आप पहले शॉर्टलिस्ट करें, फिर उसके बाद 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको इसके लिए पे करनी पड़ती है, और एप्लीकेशन फ़ी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ है, लेकिन ये आप $50 है उससे लेके $100 तक जो फ़ीस है वो पे, कुछ 50 लेंगे, कुछ 60 लेंगे, कुछ 100 लेंगे, तो ये आपने जहन में रखना है। और आप कुछ लोग 5-7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं और ये आपको फिर एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, तो ये इस तरह का काम नहीं करना। मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़, 3 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, ये रिकमेंडेड है। तो जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, अब उसके बाद अगला प्रोसेस है उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स देखें। रूटीन में आपका जो बैचलर्स प्रोग्राम है जिसको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हैं, उसके लिए जो पाकिस्तान की 12 ईयर एजुकेशन है वो इनफ होती है। आपका इंटरमीडिएट हो किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप उसको लीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी मास्टर्स प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की थोड़ी डिफरेंट हैं। किसका CGPA 3 पॉइंट से ऊपर लेते हैं, कुछ का जो है 3.5 से ऊपर लेते हैं, और ये सारी आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पहले देख लेनी है कि आपकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। और उसके लिए आपका जो 4 ईयर्स का बैचलर्स है वो आप उसके बाद एलिजिबल होंगे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी के। इसके बाद आ जाता है कि आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सिटी कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्ट करती है। उसमें सबसे टॉप पे जो है वो IELTS है, और IELTS की बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो 5.5 से 6.5 के दरमियान होगी। आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, तो आप उसके लिए सबसे पहले IELTS को भी मद्देनज़र रखें कि आपने वो कितनी चाहिए। इसके साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ PTE और Duolingo एक्सेप्ट करती हैं, कुछ TOEFL एक्सेप्ट करती हैं, तो आप जो उनके टेस्ट की रेंजेस हैं वो देखें, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखें आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है या आप इजीली कौन सी कर सकते हैं, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद उनके मतलूबा बैंड लेने के बाद आप उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। तो ये इसका आ गया। दूसरा बात आती है कि इसमें यूनिवर्सिटी की फीसिस किस तरह से होती हैं। रूटीन में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की फ़ीस उनके मास्टर्स प्रोग्राम से ज़्यादा होती है, तो जो मिनिमम फ़ीस नॉर्मली स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटीज़ की वो $20,000 से लेके ये $40,000 तक कॉस्ट करती हैं, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। और जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो 15,000 से लेके 13,000, और फिर इसमें भी कुछ रेंजेस हैं 40,000, 50,000, और इवन दो कुछ इससे कम भी हैं, तो ये आपको वहाँ पे उनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा कि कितनी फ़ी है एनुअली। अब ये सारा प्रोसेस हो गया, यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया, अब यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर पहले भेजेगी, आपने उस ऑफ़र लेटर के रिस्पांस में उनकी कंडीशंस को मीट करना है। जब आप उनकी सारी कंडीशंस मीट कर लेंगे तो फिर वो यूनिवर्सिटी आपको जो है I-20 इशू करेगी।
अब I-20 जब आपके पास आ जाता है तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसके लिए 2 से 3 चीज़ें हैं जो उनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो फिल करनी है USA की, और उसके साथ आपने एक सर्विस फ़ी होती है वो 350 जो है वो डॉलर्स पे करने हैं, और इसके साथ फिर आपने अपनी वीज़ा फ़ी जो $160 है वो पे करनी है, और देन आपका जो है वो एम्बेसी जो है आपको अपॉइंटमेंट इशू करेगी। आपने उस अपॉइंटमेंट वाले दिन एम्बेसी जाना है, एम्बेसी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है। USA का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, इसको F1 वीज़ा कहते हैं, और ये आपका एम्बेसी इंटरव्यू के बगैर कंप्लीट नहीं होता। और एम्बेसी जब इंटरव्यू लेती है तो वो डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो इसके लिए आपने एक तो फुली प्रिपेयर्ड होकर जाना है, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर पता हो, आपने उस पर रिसर्च करनी है, और फिर उनके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके देन आपने यूनिवर्सिटी उधर एम्बेसी में जाना है, और एम्बेसी उसी दिन आपका डिसाइड कर देगी। ये ऑलमोस्ट 2 से 5 मिनट की टोटल गेम होती है जिसमें आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना, चाहे आपने फीस पे की है नहीं की, इससे इनसे कंसर्न नहीं है। आप वेल स्पोकन हैं, आप अपने वेल अवेयर्ड हैं, अपने फ्यूचर को जानते हैं, अपनी डिग्री के बेनिफिट्स को जानते हैं, आपकी यहाँ पे प्रीवियस टाइज हैं, तो आप उस सूरत में वहाँ पे उसको एम्बेसी में जो वीज़ा ऑफिसर है आप उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको उसी टाइम पे वीज़े के लिए वो कंफर्मेशन मिल जाती है कि जी अपना पासपोर्ट जमा करवाएं और आपका वीज़ा लग जाएगा। तो ये थी जनरल एडमिशन प्रोसेस से लेके वीज़ा तक की गाइडलाइन के USA के वीज़े के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। इसके लिए हम एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे कि वीज़ा इंटरव्यू जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से होते हैं, और कौन कौन सी उसके लिए आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, आपने कौन सी तैयारी करनी है, और कौन से क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उस हवाले से भी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।